हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 6 का ब्रेन टीजर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट आंसर। पहला है, देयर आर डैश मिनट इन 3 आवर्स। 3 आवर्स में कितने मिनट होंगे? क्या होता है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। क्या हो जाएगा, 3 आवर है, 3 × 60 हो जाएगा। ओके, 6 × 3 = 180। कितना हो जाएगा, 180 मिनट्स। हमारा क्या आंसर हो जाएगा फर्स्ट का, थर्ड। ओके, सेकंड भी क्वेश्चन है, क्वार्टर टू एट मीन्स में 15 मिनट बाकी है। क्या हो जाएगा टाइम, 7:45। क्वार्टर मीन्स 15 मिनट होता है, क्वार्टर टू एट, 7:45। एट नाइट बोला है तो क्या हो जाएगा, पीएम। ओके, नाइट में क्या हो गया, पीएम। तो आंसर कौन सा होगा हमारा, फोर्थ, बी का फोर्थ आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी विच ऑफ द फॉलोइंग शोज 1 hour 45 minutes मोर देन द टाइम शोन इन द क्लॉक। क्लॉक में टाइम दिया हुआ है, कितना है यहाँ पे, 3 o'clock है, 3 बज रहा है यहाँ पे। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग शो 1 hour 45 minutes मोर, क्या करेंगे, 3 आवर है, 1 hour 45 minutes मोर, ऐड करेंगे 5, 4, 3, 1, 4, क्या हो जाएगा, 4:45। सी का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंड। ओके, नेक्स्ट है डी क्वेश्चन, आई एम 8 ईयर नाउ, आफ्टर 3 ईयर मे माई एज विल बी, अभी 8 साल उम्र है, आफ्टर 3 ईयर, 8 + 3 कितना हो जाएगा, 11, कितना हो जाएगा, 11 ईयर्स। ओके, आंसर क्या हो जाएगा, डी का सेकेंड, सेकेंड। ओके, नेक्स्ट ई क्वेश्चन है, इफ 8th October इज वेडनेसडे देन 16th October वुड बी, क्या होगा, 8 अक्टूबर, 8 अक्टूबर और 16, क्या है, 7 दिन बाद वही दिन दोबारा आता है, रिपीट होता है, तो क्या करेंगे, 8 + 7 करेंगे, प्लस 7 करेंगे। ओके, 8 + 7 = 15, 15 है, 16 अक्टूबर पूछा है, तो क्या हो जाएगा, 1 आवर एडिट करेंगे इसमें, तो 15 को कौन सा दिन होगा, वेडनेसडे, रिपीट होगा ना 15 अक्टूबर को, तो क्या हो जाएगा, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, क्या आएगा, थर्सडे, फोर्थ आंसर। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, राइट एज एएम और पीएम। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए 11:30 इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में क्या होता है, 11:30 एएम, क्या होता है, एएम। ओके, half past 2 इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून मीन्स दोपहर के बाद बोला है, 2:30, half past 2 मतलब 2:30, क्या हो जाएगा ये, पीएम। ओके, सी क्वेश्चन है, quarter to 9 at night, quarter to 9 मीन्स 9:15 बाकी है, 8:45 at night, नाइट मीन्स क्या हो जाएगा, पीएम, क्या हो जाएगा, पीएम। ओके, नेक्स्ट डी क्वेश्चन है, 10 minutes to 3 इन द आफ्टरनून, 10 minutes to 3 मतलब 3:10 बाकी है, इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून मीन्स क्या हो जाएगा, पीएम, क्या हो जाएगा, पीएम। थर्ड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, पूछा है देयर आर डैश आवर्स इन 4 days, कितना होगा, हाउ मेनी आवर इन फोर डेज, कितना होगा, 4 × क्या हो जाएगा, 4 × 24, 4 × 4 = 16, 1 carry 4 to 9, कितना हो जाएगा, 96 आवर्स इन 4 डे। एट सेकेंड है, एट 5:50 द आवर एंड ऑफ द क्लॉक इज बिटवीन डैश एंड मिनट एंड इज एट, क्या करेंगे, 5:50, ओके, 5:50 मतलब 12 है, यहाँ 6 है, 1, 2, 3, 4, 5,
सेवन एट नाइन टेन इलेवन, क्या बोला है एट 5:50, 5:50 क्या होगा 5:50, ओके मिनट एंड 10 पे होगा और आवर एंड 5 और 6 के बीच में होगा क्या, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, द क्लॉक इज बिटवीन आवर एंड, आवर एंड, आवर एंड किस पे होगा 5 and 6, एंड मिनट एंड इज एट 10 5 50, तो 10 पे होगा ना 10, ओके। सी क्वेश्चन है द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर इज, शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर इज फरवरी, क्या हो जाएगा फरवरी, ओके सबसे छोटा महीना कौन सा है फरवरी का। नेक्स्ट है डी क्वेश्चन, इफ 4th February इज संडे द डे ऑफ 18th February विल बी, क्या हो जाएगा, दिया हुआ है इफ 4th February इज संडे, 4th February कौन सा डे है संडे है, द डे ऑन 18th February विल बी 18th February, तो क्या करेंगे 4 में 7 ऐड करेंगे प्लस 7 करेंगे क्या हो जाएगा 4 7 11 11 7 18, ओके 18th February पूछा है तो 7 दिन बाद रिपीट होता है डे, तो क्या हो जाएगा 18th February को क्या हो जाएगा संडे, क्या हो जाएगा संडे, अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा संडे, ओके। नेक्स्ट ई क्वेश्चन है इफ 20th October इज फ्राइडे द डे ऑन 2nd November विल बी, क्या हो जाएगा 20th October इज फ्राइडे द डे ऑफ 2nd November, अक्टूबर के बाद नवंबर आता है तो अक्टूबर कितने दिन का होता है 31, ओके क्या करेंगे इधर 30 20 माइनस करेंगे 11 डेज इधर बचा और 2 डेज नवंबर का कितना हो जाएगा 13 डेज, ओके 14 डेज में रिपीट होता है तो इसमें क्या करेंगे 7 माइनस कर देंगे कितना आएगा 6, ओके 6 डे आगे जाएंगे फ्राइडे से सैटरडे, सॉरी हाँ सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, क्या आ जाएगा हमारा आंसर थर्सडे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ ओल्ड वेयर यू 2 year बैक आफ्टर हाउ मेनी ईयर विल यू बी 10 year ओल्ड, बोला है हाउ ओल्ड वेयर यू 2 year बैक, अगर लेट माना अगर 8 साल के हैं ओके 8 year पूछा है हाउ ओल्ड वेयर यू 2 year बैक, तो 2 साल पहले क्या हो जाएगा 8 minus 2 6 year, 2 साल पहले कितने साल के हैं 6 year, आफ्टर हाउ मेनी ईयर विल यू बी 10 year ओल्ड, तो 2 साल बाद क्या हो जाएगा 8 plus 2 10, आफ्टर हाउ मेनी ईयर विल यू बी 10 year ओल्ड 2 year, ओके okay?